उसके लिए कौन सा उसने ऐसा काम किया कि उसे अवार्ड दिया? एक काम के लिए उसे अवार्ड दिया कि उसने मोदी की चाटुकारिता की, बीजेपी की चाटुकारिता की, इसलिए अवार्ड मिला। जिसकी कार उसी को सज है, और करे तो पिछवाड़े पर डंडा बाज है। महिलाओं को नहीं छोड़ रहे हैं, तो महिलाओं को घेर रहे हैं। महिला देखिए, एक कहावत है गांव के अंदर, जिसकी कार उसी को सज है, और करे तो पिछवाड़े पे डंडा बाज है। कंगना रनावत का किसानों से क्या वास्ता? उसका काम है फिल्म इंडस्ट्री में अपना काम करना। बात करती है किसानों की, देश में और कोई एक्टर एक्टर नहीं है, वो तो नहीं बोलते। देश हित की बात करती है, किसानों की बात करती है। क्या देश हित की बात और किसानों की बात तो करती है। तुम पे सवाल करना ही नहीं आता, इतनी बड़ी देश भक्त। अब आप बताएंगे सवाल क्या करना है। बड़ी देशभक्त है, अवार्ड दिया गया उनको देशभक्ति के लिए, और आप उनको रोकोगे? देश के लिए कौन सा उसने ऐसा काम किया कि उसे अवार्ड दिया? एक काम के लिए उसे अवार्ड दिया कि उसने मोदी की चाटुकारिता की, बीजेपी की चाटुकारिता की, इसलिए अवार्ड मिला। देश के लिए काम किया पूरे कोरोना काल में सोनू सूद ने, उसे अगर देश भारत रत्न भी दे तो वो भी छोटा है। क्या किसी के बदनाम करने से बदनाम होगा? ये किसानों का और देश का आंदोलन है, आजादी की दूसरी लड़ाई है, और लड़ करके जीत करके और फिर एक सेलिब्रेशन की डेट रख करके और पूरे देश का किसान बॉर्डर पे सेलिब्रेशन मनाएगा और तब घर जाएगा। एमएसपी पे गारंटी का कानून, 750 किसानों की शहादत पर सम्मान धनराशि, और वो जो 52,55,000 जो मुकदमे हैं वो वापस, पराली का कानून, बिजली अमेंडमेंट बिल, डेयरी बिल, सीड बिल, सारे बिलों पे बात होगी। सरकार बैठ के बात करेगी, उसके बाद किसान की घर वापसी होगी, वरना आंदोलन जारी रहेगा। तो जो न्यूज़पेपर में आ रहा है वो क्या गलत है कि 32 संगठन? सरकार की चाटुकारिता, सरकार की दलाली, किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश। वही किसान आंदोलन के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल भी परसों भी कांग्रेस ज्वाइन की है, किसान संगठन के लोग हैं कुछ। देखिए, कोई किसी पार्टी में जा रहा है वो आजाद है, हमें किसी को बांध के तो रखना नहीं। ये डेमोक्रेसी है, या कोई राजतंत्र नहीं है कि राजा के गुलाम होंगे। जिसको जहाँ जाना हो जाए, जिसको यहाँ रहना है वो रहेगा। ना पहले किसी पे कोई पाबंदी थी, ना आज पाबंदी है, लेकिन देश की जनता को एक चीज़ साफ पता देना चाहता हूँ कि MSP अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। लेकिन ताऊ, मीडिया में तो एक ये भी बात चल रही है कि अब किसान आंदोलन नहीं, केवल राजनीति रोटियां सेकी जा रही हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज बताओ, ये जो हमें कह रहे हैं, ये राजनेता जो हमें ऐसे बदनाम कर रहे हैं, ये राजनीति छोड़ करके क्या मुजरा कर रहे हैं? तो नेताओं का तो काम है, आप पहले से कहते हैं ना कि आप राजनीति नहीं करते हैं, अराजनैतिक आंदोलन है। देखिए, आंदोलन अराजनैतिक है, हमारा जब से आंदोलन चला है राजनीतिक है, लेकिन ये जो जितने भी लोग खड़े हैं, जब ये 18 साल के हो जाते हैं तो ये सब राजनीतिक हो जाते हैं, क्योंकि 18 साल के व्यक्ति वोट देता है। चलिए आपसे पूछूंगी, मीडिया सारी, अगर मीडिया की बात की जाए, मीडिया राकेश टिकैत जी को चुनाव लड़वाना क्यों चाहते हैं? सारी मीडिया की अगर बात की जाए, नेशनल मीडिया की, तो राकेश टिकैत जी को चुनाव क्यों लड़वाना चाहते हैं? चुनाव राकेश टिकैत जी को नहीं लड़वा रहे, तो किसको? वो राकेश टिकैत जी का नाम लेकर सारा मीडिया अपना टिकट पक्का करना चाह रहा है अलग अलग पार्टियों में। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मीडिया चुनाव लड़ेगी? देखिए, मीडिया का काम होता है सत्ता से सवाल करना, और वो आज मीडिया सत्ता की एंकर बनकर, सत्ता के प्रवक्ता बनकर विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि सवाल सत्ता से किया जाता है और मीडिया सवाल विपक्ष से कर रहा है, ये दुर्भाग्य है। आपसे पूछूंगी, अगर आप कहते हैं कि किसानों की जो बात करे वो पार्टी है, तो ऐसा कीजिए ना टिकैत जी को ही चुनाव लड़वा दीजिए, अब आपकी पार्टी आएगी, आप लोग जीतेंगे, तो बात तो आप ही की होगी। कल को स्कूल के लिए लड़ेंगे तो उनका स्कूल खुलवा दो, कल को हॉस्पिटल के लिए लड़ेंगे, हॉस्पिटल खुलवा दो, एक मिनट, कल को इन बच्चों के लिए मैं नौकरी मांगूंगा तो अपनी इंडस्ट्री लगा लो। अगर सारे काम हम ही करेंगे तो ये राजनेता, सत्ता में बैठे राजनेता
क्या मुजरा करने के ऐसा तो नहीं कि राकेश टिकैत जी डर रहे हैं कि चुनाव अगर लड़ेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि दो बार पहले हार चुके हैं। हार जाएंगे, स्वाद चख लिया हमें, हार का अंगूर खट्टे, हार का स्वाद, हाँ हार का स्वाद चख लिया। जनता कहती है कि तुम आंदोलनकारी अच्छे हो, राजनेता अच्छे नहीं हो, तो हम तो आप चुनाव लड़िए ना, तो राकेश टिकैत जी नहीं तो आप लड़िए। हाँ मैं लड़ लूंगा, क्या वो प्रधानमंत्री जी से कुर्सी खाली करके घर जा, अब पहले जब योगी से क्या कुर्सी खाली करके घर जा। आप तो सीधे टारगेट कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को टारगेट कर रहे हैं। देखिए सरकार में बैठे ये लोग हैं, क्या टारगेट ट्रंप को करूँगा? तब आप बनारस में जाके चुनाव नहीं लड़ रहे थे क्या? बनारस जाके चुनाव लड़िए ना, क्यों प्रधानमंत्री से कह दे आजा हमारे मगाजाबाद में आके लड़ ले, वो तो प्रधानमंत्री है। आपको तो उनको हराना है ना, तो आप वो जहाँ से लड़ेंगे वहीं तो जाके लड़ोगे आप? अरे हम ना लड़ेंगे, कोई हमारा चाहने वाला लड़ेगा। कह दो बिस्तर बोरिया बांध ले, अब कह तो योगी को मठ में और मोदी को अहमदाबाद भेज के रहेंगे, कहीं उल्टा ना हो जाता हूँ। कानून वापसी के बाद आप तो किसान उनके साथ हो गए, अब ट्रैक्टर रैली भी निकल रही है। कौन? किसान, बीजेपी के साथ। कितने ट्रैक्टर थे जरा ये, और बीजेपी के साथ, बीजेपी के ट्रैक्टर रैली बीजेपी कर रही है। कोयसे के पीछे ट्रॉली थी, एक ट्रैक्टर चलाने वाला, ट्रैक्टर तो थे ना, और एक ट्रैक्टर पे बैठने वाला। अब बता तीसरा आदमी अगर ट्रैक्टर पे तुझे दिखाई दिया हो, और 100 ट्रैक्टर नहीं थे, अब ट्रॉली 200 आदमी से अगर ये चुनाव जीत रहे हो तो मुझे बता दे। ट्रॉली जरूरी है क्या ट्रैक्टर में? ट्रैक्टर तो था ना। अरे आदमी छे वोट ट्रैक्टर नहीं देता, वोट आदमी दे, वोट दे या जनता। आप सरकार को धमकी देते थे ना, ट्रैक्टर ले जाएंगे, ट्रैक्टर ले जाएंगे, अब सरकार खुद ट्रैक्टर रैली कर रही है। करनी होगी, कहीं सुनी तुमने इसकी भाषा? किसी किसान को पता भी नहीं तो ट्रैक्टर कहाँ से ले आए, जो वजन ढोने वाले उन्हें किराए पे ले आए। अब असली किसान है ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं बीजेपी वालों के साथ। कौन सा किसान? वो तो धन्यवाद कर रहे हैं ना मोदी के साथ, जो करोड़ों किसान है मोदी जी के साथ वो कर। आप तो चंद हो ना, करोड़ों हैं, हम तो मुट्ठी भर हैं। वो तो बोल तो देखिए, हम वही कहते थे ये मुट्ठी भर हो चाहे लाखों में हो चाहे करोड़ों में हो, अरे झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। हाँ तो झुका तो दिया, क्यों घुटनों पे आ गया। जिन्हें आंदोलन जीवी कहता था, जिन्हें परजीवी कहता था, आके माफी मांग के आया ना। वो तो मोदी जी की मानता है जो उन्होंने देश पर कृपा करी है, कृपा करी है। ओ तेरी गांव, बीजेपी के लोग बात तो नहीं कर रहे हैं। लोग तो जब बिल लाया था जब भी कहते थे मोदी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया, और आज बिल वापस लिए तो ये भी मास्टर स्ट्रोक है, तो सारे मास्टर स्टॉक ही मारेगा। आपके ये स्टूडेंट स्टॉक झेलने के लिए तैयार हो जाए। आप कह रहे हो मोदी जी घुटने पे आ गए, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं। बना भी कानून ऐसे ही वापस भी लेके चले, हिम्मत है? अरे हिम्मत है अगर देशभक्तों से आके बात कर ले, गद्दारों की हिम्मत नहीं जो देशभक्तों से मिल। ताऊ भाई साक्षी महाराज का एक और बयान आया कि बिल की जो कानून होते हैं वो तो आते जाते रहते हैं, फिर आ जाएंगे। तो उनसे कह दो ये सत्ता है रोज आती है रोज जाती है, 5 साल में चुनाव आते हैं, अब के अपनी सीट ही सुरक्षित कर ले। तो बीजेपी की सीटें तो सुरक्षित है ना? हाँ हैंगी सारी, सारी सुरक्षित कर देंगे। वोट बीजेपी की, बीजेपी की वोट पक्के हैं, सीटें सुरक्षित है। तो फिर क्यों इतने भागम भाग कर रहा, क्यों बिल वापस ले लिया? वो तो आप लोगों की उसके लिए ना कहते तो हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, कुछ किसानों को नहीं समझा पाए आप, कुछ है ना, तो कुछ से डर गया आप लोगों के लिए। अच्छा काम करना, तो आप कह रहे थे हिटलर है, बात नहीं सुनते, डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं, वो तभी तो लिए, तो हमसे ही तो डरा, चंद किसान के लिए डरा तो इन कुछ किसानों से ही। डरे रहे चंद किसान, हमने कहा था कि 56 इंच की छाती नहीं है, चाय बेचने वाला नहीं है, एक पाखंडी है, एक ढोंगी है, बहरूपिया है, और बार बार रूप बदलता है। सावरकर का वंशज है, और सावरकर माफी मांगता था, जमानत नहीं मिलने पर सावरकर का वंशज था, जमानत के लिए माफी मांगी थी, जमानत ना मिलने पर रोया था, और ऐसे ही ये मोदी है कि बिल लाया था किसानों ने, सुन लो पत्रकारों, किसानों के लिए बिल लाया था, किसानों ने लिया नहीं, वो माफी मांग के वापस लिया। तो जिसके वंशज जैसे होते हैं उनके पूर्वज वैसे होते हैं।